सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्रवण सर. वंस अगेन आई एम विथ माय सेकंड वीडियो ऑफ द चैप्टर रियल नंबर्स. रियल नंबर्स. सो इन दिस चैप्टर, इन फर्स्ट पार्ट, व्हाट डू वी रीड? फर्स्टली वी हैव टू कंक्लूड दैट वी रीड अबाउट द यूक्लिड्स division lemma, and in this part what we learned to represent the real numbers, to represent the real numbers on the basis of Euclid's डिवीजन लेमा. एज मैंने बताया आपको कि टू से जिन संख्याओं को अगर हम टू से डिवाइड करते हैं तो उसे हम लिख सकते हैं आइदर टू क्यू और टू क्यू प्लस वन के फॉर्म में. फिर थ्री से जिन संख्याओं को हम डिवाइड करते हैं, थ्री क्यू और थ्री क्यू प्लस वन और थ्री क्यू प्लस टू. जैसा आप जानते हो कि अगर हम किसी संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होगा आइदर 0 होगा या 1 होगा. 3 से आप डिवाइड करते हो तो आइदर इट विल बी 0, 1 और 2. उसी तरह अगर आप 4 से किसी संख्या को डिवाइड करते हो दैट विल बी 4q और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3. और इसमें मैंने आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया कि जहां तक रिमाइंडर अगर 0 आता है, 0, 2, अगर ये रिमाइंडर्स हैं जनरली, तो उन संख्याओं को हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसमें, इवन में. तो आप देख सकते हो 2q किसका फॉर्म है, इवन का. 3 की तो बात ही छोड़ दो क्योंकि 3 तो कभी भी इवन नंबर में नहीं आ सकता है. जब हम 4q की बात करते हैं तो 4q क्या है, इवन है. 4q प्लस 2 क्या है, इवन है. यानी अगर ये फॉर्म है किस संख्याओं का, इवन नंबर्स का. बट स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोगों का वीडियो है वो सेकेंड पार्ट पर आधारित है और आज मैं आपको जनरली बताने वाला हूं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक. फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको हम आपको बताएंगे कि इस फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक में हम लोगों को क्या पढ़ना है. फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक में जब आप आओगे तो उसके कुछ सेक्शंस हैं, जरा सा ध्यान से समझना, जिसमें से सभी प्रश्न आते हैं. काफी वैल्यूएबल सेक्शन है ये रियल नंबर का, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ते क्या हो, प्राइम फैक्टराइजेशन. यस, प्राइम फैक्टराइजेशन. किसी भी संख्या का अगर हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो हम फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक के अनुसार निकालेंगे. सेकेंड जो इसका पार्ट है, जिसमें आप टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम of the given numbers. जो थर्ड पार्ट है इसमें, जो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक में, टू आइडेंटिफाई द कंपोजिट नंबर्स, टू आइडेंटिफाई द कंपोजिट नंबर्स. एंड देन आफ्टर वी हैव टू रीड अबाउट द थ्योरी इन विच वी हैव टू फाइंड आइदर ए टू द पावर एन कैन एंड विथ जीरो और नॉट. सो ये कुछ सेक्शन है जिसको मैंने आपको बनाया है, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे. To find the HCF of the given
नंबर्स, जिसमें आप रिलेशन के बारे में भी पढ़ोगे। रिलेशन क्या है? एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। फिर आप आइडेंटिफाई करोगे कि गिवेन नंबर आइदर इट इज कंपोजिट और नॉट, और लास्ट में आप कुछ चेक करोगे कि जो गिवेन नंबर है उसका पावर जो एन है वो जीरो के साथ एंड हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर बात करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या पढ़ना है उसको जरा ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट अगर हम फाइंड कर रहे हैं, टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140, 140 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। इन दैट केस व्हाट विल यू डू, 140 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन जब निकालोगे, रफ में आप इसको काउंट करो, सो इट विल कम 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, सो यू कैन राइट इट ऑल्सो 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, सो दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। सो इस तरह से आपको कोई भी संख्या दी हुई है उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन, आप इसको रफ में कर लो, 140 है, इसको आप जैसे फैक्टराइजेशन निकाल दो, दैट इज वेरी इजी, 70, 2 से फिर डिवाइड करोगे 35, देन आफ्टर 5 से डिवाइड करोगे दैट विल बी 7। ये जो है इसको आप रफ में कर सकते हो, ये रफ की क्रिया है। सेकेंड, जो मतलब ये कि पहला जो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक है उसमें हम लोग को ये पढ़ना है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है, जरा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे आप। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, तो सबसे पहले ये जो फंडामेंटल वर्ड है इसको हम लोग जरा सा समझेंगे। फंडामेंटल का अर्थ होता है मौलिक, जो कि आप सिविक्स में भी पढ़ते हो, एसपीएल में पढ़ते हो, हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स भी मिले हुए हैं, हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। बट ये अर्थमेटिक में फंडामेंटल का क्या फंडा है इसको हम लोग जरा सा ध्यान से समझेंगे। इस फंडामेंटल थ्योरी के अनुसार ईच एंड एवरी नंबर, यहां आप रियल भी लिख सकते हो, एवरी नंबर हैज, ईच एंड एवरी नंबर हैज हैज नंबर हैज, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ईच एंड एवरी नंबर हैज इट्स यूनिक, इट्स यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन दैट डज नॉट, दैट डज नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट फॉर अदर नंबर्स, और यू कैन से सिंपली अदर्स, दैट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अदर्स। सो मीन्स कि इस पूरे ब्रह्मांड में फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि जो कोई भी अगर नंबर है तो उसका अपना एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। आप जानते हैं हर माता पिता अपने बच्चों का एक यूनिक नेम रखते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा नाम जो है और किसी का ना हो। उसी तरह अर्थमेटिक में है कि किसी भी संख्या का अपना एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है और ये प्राइम फैक्टराइजेशन किसी और नंबर के लिए नहीं होता है। सो इसमें क्या है कि अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, सपोज दैट वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, सो हाउ डू यू फाइंड, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2।
अब हमें ये जानना है कि प्राइम फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक के अनुसार द फैक्टराइजेशन ऑफ सिक्स इज 2 × 3 और 3 × 2। तो ये आपको अब अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि आप इस सस्पिशन में ना रहो, 2 × 3 सिर्फ और सिर्फ 6 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, 2 × 3 या फिर 3 × 2 6 के अलावा किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। यही है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। सपोज दैट यू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, सो 2 × 2 × 3, ओके, सो 2 × 2 × 3। सो आपके मन में ये सस्पिशन नहीं रहना चाहिए कि 2 × 2 × 3 जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वह 12 के अलावा और किसी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है। मीन्स 2 × 2 × 3 इज अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन दैट इज ऑफ 12 एंड 12 ओनली, नॉट फॉर एनी नंबर। ओके, सो क्लियर स्टूडेंट्स, आप ये समझ गए कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। इस नंबर में, इस फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक के अनुसार हर नंबर का अपना एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो ये अच्छी तरह से समझ में आ गया कि व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, और मैंने आपको बता दिया कि इस फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक में आप क्या करोगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सीखोगे, जो आप सीख गए हैं। फिर आप ये देखोगे रिलेशन, रिलेशन ऑफ नंबर्स, रिलेशन ऑफ नंबर्स ये क्या होता है वो समझिएगा। रिलेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ विद द गिवेन नंबर्स, गिवेन नंबर्स मीन्स रिलेशन क्या है, एलसीएम इंटू एच सी एफ दैट इज इक्वल ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये एक रिलेशन है किसका, एलसीएम और एचसीएफ का, जो संख्याएं दी गई हैं जिसका हम एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं उनका। फॉर एग्जाम्पल इसमें कैसे प्रश्न आते हैं उसको जरा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इफ वी हैव टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, वी हैव टू फाइंड इट्स LCM also and HCF also, and also we have to verify the relation, verify the relation. तो कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, सबसे पहले आप देखो, you will find the prime factorization of 26, so that will be 2 × 13, okay, clear? And then after you will find the prime factorization of 91, that will be 7 × 13. Okay, so what is common in these, that is 13. So HCF of 26 and 91 will be 13. Okay, and suppose we have to find LCM of 26 and 91, तो हम क्या करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, जो हमारा कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे, यानी 13 मेरा कॉमन है, उसके बाद जितनी भी संख्याएं बची है, जैसे 2 बचा है तो यहां हमने 2 लिख दिया, यहां 7 है तो हमने इसको क्या किया 7 लिख दिया। यही तरीका होता है निकालने का, जिसमें आप 2 × 7 × 13 आप इसको मल्टीप्लाई करो रफ में, सो इट विल कम 182। सो व्हाट इज योर एचसीएफ, HCF is 13 and LCM is 182. So now we have to verify the relation. Verify the relation. So verification, verification of the relation, verification of the relation. इस verification में आप क्या करोगे वो जरा ध्यान से देखो। Verification of relation में ये हुआ LCM, सो आपका LCM क्या है, LCM is 182 and HCF is 13 and your first number is 26 and second number is 91. 91 is your second number. So now multiply these two, you will get 2366. 2366
6 6 and here it is also 2 3 6 6. So what do you get? Both side the product is equal, so it is verified. So this is the second. Okay, in this chapter next kya padhna hai usko zara sa hum jaldi se bata de aapko ki is chapter mein aage jab hum badhte hain to hum logo ko padhna hai composite number ko identify karna, means to identify, to identify the composite numbers, to identify the composite number. तो हम कैसे composite number को identify करते हैं, पहले ये जानना है कि composite number क्या होते हैं. Composite number वैसे numbers होते हैं, the numbers which have more than two factors, more than two factors other than one, other than one, यानी वैसी संख्या है जिसके prime factorization ये की जो अंकों की संख्या है वह दो से ज्यादा होती है अगर हम उसका prime factorization निकालते हैं. तो for example जो आप चेक करोगे, जैसे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से समझना कि एक्सप्लेन वाई, ओके, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर, वी हैव टू चेक इट. हमें ये देखना है कि यह क्यों एक कंपोजिट नंबर है. जब भी आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे, सी हाउ इट इज इजी, इसको आप क्या करो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें हम देख सकते हैं जो 13 है दैट कैन बी टेकन एज कॉमन, हम उसको कॉमन ले सकते हैं. तो 13 को कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, 13 को जब आप कॉमन लेते हो सो 7 इंटू 11 प्लस 1, सो 13 इंटू 77 दैट विल बी 77 प्लस 1 मींस 13 इंटू 78 दैट विल कम 13 इंटू 78, सो 13 इंटू 13 इंटू देयर इट इज 6, 6 को फर्दर हम फर्टिलाइज कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं 2 इंटू 3 के फॉर्म में. तो आप क्या देख रहे हो, यहां पर ये जो संख्या है इसमें 13, 6 और मोर देन टू फैक्टर्स है, सो दैट्स व्हाई इट कैन बी कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर. मतलब ये कि इस संख्या में इसको हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की, प्राइम फैक्टर्स की संख्या दो से ज्यादा है. लास्ट इस चैप्टर फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक में जो हम लोगों को पढ़ना है वो आपको कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ना है. जरा सा ध्यान से समझिएगा, दैट इज वेरी इजी, कि अगर हम चेक करते हैं किसी भी संख्या को, चेक वेदर द गिवेन, चेक वेदर 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 और नॉट, 0 और नॉट. यहां पर 4 का पावर n है, यहां पर 6 का पावर n भी हो सकता है, किसी भी संख्या का पावर n हो सकता है. तो हम कैसे जांच करेंगे कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका, सबसे पहले कि ये डिजिट 0 के साथ एंड हो सकता है या नहीं. इसका अर्थ क्या है, जरा सा हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें आपको, कि अगर मान लीजिए हम 4 का पावर 1 लेते हैं सो दैट विल कम 4, 4 का पावर अगर हम 2 लेते हैं सो 4 इंटू 4 दैट विल बी 16, 4 का पावर आप 3 लेते हो सो जस्ट लाइक दैट 4 इंटू 4 इंटू 4 सो दैट विल बी 64. यहां पर 6 आया, ये 4 आया, तो आपके मन में ये क्वेश्चन तो होगा ना कि अभी मान लो यहाँ 6 है या 4 है, 0 नहीं आ रहा, क्या हम 4 का पावर बढ़ाते चले जाए, 4 कर दे, 5 कर दे या कुछ भी कर दे, क्या कोई ऐसी संख्या यहाँ पर आ सकती है जिससे यहाँ पर जो अंक आए उसके यूनिट डिजिट पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कैसे जांच करोगे, देखो कितना आसान है, ये लास्ट इसका पॉइंट है. फर्स्टली
you will find the prime factorization. You will write here the prime factorization, prime factorization of 4 is 4 to the power n is 2 into 2 power n, or so prime factorization 2 into 2 the power n hua. According to fundamental theory of arithmetic, 2 into 2 to the power n is a unique factorization. Unique factorization मतलब ये जो 2 into 2 है वो 4 के अलावा और किसी संख्या का नहीं हो सकता है. And we know the number ending with digit 0, ending with digit 0 must have a 5, must have a 5 in its prime factorization, prime factorization. यानी आप क्या देखें कि कोई भी संख्या जो 0 के साथ एंड होगी निश्चित तौर पे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम एक 5 होना चाहिए, यानी 5 होना चाहिए. तो क्या ये 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में है? नो. सो 4 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0. ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा. उसी तरह से अगर आप 6 टू द पावर n निकालते हो, 6 टू द पावर n, सो उसी तरह आप कह सकते हो कि 2 इंटू 3 का पावर n, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ. और फंडामेंटल थ्योरी के अनुसार 2 इंटू 3 सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? 6 का होगा. तो क्या इसमें प्राइम फैक्टर के रूप में 5 है? नहीं है. सो 6 टू द पावर n कैन ऑल्सो नॉट एंड विथ द डिजिट 0. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये मैंने बहुत शॉर्ट में टॉपिक वाइज आपको समझाने का प्रयास किया कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है. फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक में जो भी पॉइंट्स थे हमने आपको कवर किया. याद रखो इसमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, जो 2-3 क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको बताया है. थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. धन्यवाद. तब तक आप इसे पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और किताबें भी पढ़ते रहो. और जो लॉकडाउन है उसमें घर पे रहो, स्टे होम एंड बी रिमेन सेफ. ओके, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली. थैंक यू स्टूडेंट्स.